आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को भी लू का प्रकोप जारी रहेगा। इस बीच राहत की एक बहुत बड़ी खबर आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने दिल्ली में बुधवार से शुक्रवार तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान धूल भरी तेज हवाएं 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलने का अनुमान है। ऐसे में लोगों को जल्द ही गर्मी से राहत मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव हो रहा है। गौरतलब है कि पूरे मार्च और अप्रैल महीने में अब तक बारिश नहीं हुई है। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 22.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का स्तर 18 से 52% रहा। वहीं दिल्ली में आज यानी मंगलवार को अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और लू भी चलेगी। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। वहीं गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और आसमान साफ रहेगा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार आज यानी मंगलवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब श्रेणी में है और 223 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं नोएडा का AQI भी खराब श्रेणी में है, 282 दर्ज हुआ है, जबकि गुरुग्राम का AQI बहुत ही खराब श्रेणी में रिकॉर्ड हुआ है और 340 रिकॉर्ड हुआ है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।